इनेलो भाजपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ने आज बसपा नेता की मौजूदगी में बसपा का दामन थाम लिया। दूसरे दलों से बसपा में आए कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दूसरे दलों से बसपा में आए कार्यकर्ता के तैयब हुसैन भीम सिक्का का अपना समर्थन देने का ऐलान किया और कहा कि वह तन मन धन से बसपा नेता तैयब हुसैन भीम सिक्का के साथ है। हरियाणा में ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं के दल बदलने भी तेजी से शुरू हो गए हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी के वोटों में सेंध लगाने के लिए जो शोर से लगी हुई है, जिसका ताजा उदाहरण पलवल जिसे की हथीन विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जहां पर बसपा नेता भाजपा इनेलो व कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाकर तीनों पार्टियों को बड़ा झटका दिया है। हथीन में भाजपा इनेलो और कांग्रेस के नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा नेता तैयब हुसैन की मौजूदगी में बसपा का दामन थाम लिया और विषय में बसपा को और मजबूत करने का वायदा किया। आपको बता दें कि हथीन से वरिष्ठता नेता विलायत अली पटवारी ने बसपा नेता को अपने समर्थन की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि विलायत पटवारी ने 1996 में हथीन हलके से विधायक का चुनाव लड़ा था। उनका मांगरिया पाल में अच्छा रुतबा है। उन्होंने अपने समर्थकों सहित बसपा नेता तैयब हुसैन भीम सिक्का को समर्थन देने की घोषणा की। ऐतिहासिक गाँव कोट से दादा बाहड़ के वंशज चौधरी कासिम कौट, सुखराम सरपंच घरोट, बीर सिंह मंडोरी, सही राम रिबड़, जलेब खान सरपंच घोड़ावली, अकबर मालुका, इकबाल झांडा, हाजी मन्ना सयान पनकी, चौधरी अजीज कोट, नेता तैयब हुसैन भीम सिक्का को अपना जन समर्थन का ऐलान किया। दूसरी पार्टियों को छोड़कर बसपा में आने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ पगड़ी बांध कर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हथीन विधानसभा के बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके बसपा नेता तैयब हुसैन भीम सिक्का ने कहा कि उन्हें हथीन हलके के 36 बिरादरी का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस इनेलो और भाजपा को छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज बसपा ज्वाइन की। हरियाणा में बसपा इनेलो का गठबंधन है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों का गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं कि ये इलाके के जिम्मेवार हैं। इनमें चौधरी विलायत पटवारी जिन्होंने 96 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव विधानसभा का लड़ा था, वो आज भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके और BSP के बैनर तले आकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और उनके साथ आए हैं मंडोरी गाँव के सरपंच बीर सिंह जी। चौधरी बीर सिंह बहुत ही मजबूत साथी हैं और रेवड़ से हैं चौधरी सही राम, जो जिला पार्षद भी रहे हैं और सरपंच भी रहे हैं, वो भी इसी कड़ी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, बहुजन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपने भाई को, अपने बेटे को, तो आज बड़ी खुशी की बात है। और विधानसभा चुनावों में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकारें बनेंगी और तभी जाकर हथिन के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा।